बेरोजगार दर-दर भटक रहे हैं, उनके क्या हाल हैं? हमारी सेना में भर्ती को बंद कर अग्निवीर की योजना चालू कर दी, विश्वासघात करने के साथ साथ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए चुनाव सिर्फ मुरारजी को सांसद बनाने का नहीं, ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस और भाजपा में से एक चुनने का नहीं, ये चुनाव भविष्य में हमारे गणतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को सुरक्षित रखने का चुनाव है। 70 साल से जिन संस्थाओं को हमने पोषित किया, न्यायपालिका हो, निर्वाचन आयोग हो, इन संस्थाओं को हमने जिंदा रखकर इनके पारदर्शिता को सुनिश्चित किया था। आज आप देख रहे हो क्या हो रहा है। आप सबने देखा होगा, चंडीगढ़ में चुनाव हुए थे, महापौर के वहां निर्वाचन अधिकारी बैठ के वोटों को खराब करने में लग रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी तब जाके वहां मामला गाड़ी पटरी पर बैठे। निर्वाचन आयोग के अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, न्यायपालिका दबाव में है, विपक्ष के लोगों पर आक्रमण किया जा रहा है, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को लोगों के घरों में भेजा जा रहा है, नेताओं को डराकर धमकाकर उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। अगर विपक्ष को उनके खातों को बंद कर दोगे, उनके खाते बैंक अकाउंट सीज कर दोगे, 95% जो छापे पड़ते ईडी के वो विपक्ष के नेताओं में पड़ते हैं। भाजपा ऐसी पार्टी है, कहते 300 पार, 400 पार, अच्छा हुआ 600 पार नहीं गई, कोई भरोसा नहीं है, कह सकते हैं भाई। लेकिन अगर इतने पार कर रहे हैं तो हमारे नेताओं को रोज क्यों लेके जा रहे हो? हमारे नेताओं की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर आप इतने कामयाब हो, इतने ताकतवर, उतने आश्वस्त हो, तो विपक्ष के कांग्रेस के नेताओं को एक एक कर क्यों ले जा रहे हो? मैं भी अखबार पढ़ रहा था आज सुबह, हरियाणा में 10 क्षेत्र लोकसभा के, वहां भाजपा के जो उम्मीदवार हैं 10, उसमें से 6 कांग्रेसी, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। देखो, चुनाव से पहले नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन ये चुनाव गंभीरता से लेना पड़ेगा। और आज ये जब से चुनाव अभियान शुरू हुआ, मैं तो पहली मीटिंग करने आया हूं, और दौसा में इसलिए आया हूं क्योंकि यहां मेरा कुछ अधिकार आप लोगों पे है, आप लोगों के परिवारों पर है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार जो टिकट वितरण हुआ है, अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जो दूसरी पार्टी है वहां के टिकटों में क्या बदड़ मची है। मांग कोई रहा था, लड़ कोई रहा था, दे किसी और को दिया। अब मैं तो किसी के, मेरी आदत है, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं, लेकिन जब घोषणा हुई तब मैंने समझा भी समय आ गया है कि अपन पिछली 3 बार चुनाव हार गए हैं, 2024 का चुनाव कांग्रेस की जीत का चुनाव है और सूत समय जीतेंगे, पिछली 3 बार का बराबर करना है। पिछली बार चुनाव हुआ, पंडित जी ध्यान दे, पंडित जी जब से रिटायर हुए तब से और जोश आ गया मुझे। 25 लोकसभा क्षेत्र राजस्थान में, पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए, सबसे कम अंतर से अगर कांग्रेस कहीं हारी थी तो दौसा से हारी थी, लेकिन हम हार गए थे। इस बार साथियों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये 25 लोकसभा सीट है, सबसे ज्यादा बड़ी जीत कहीं हो तो दौसा लोकसभा क्षेत्र से हो, यह आप लोगों को सुनिश्चित करना है। 19 में चुनाव हुए थे, सरकार हमारी थी, उस समय भी आपके बीच में हम लोग आए थे, लेकिन अब हम सरकार में नहीं है, अब मैं भी फ्री हूं, तो जहां जहां मुरारी जी नहीं पहुंच पाएंगे उन गांवों में, मैं जाऊंगा उनकी जगह वोट मांगने आप लोगों से। और ये बात सही है कि उम्मीदवार हर जगह नहीं जा सकता गांव पंचायत में, लेकिन आप सब लोग कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर, कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर, कांग्रेस के नुमाइंदे बनकर उन गांव गाड़ी में जाना है। और मैं जानता हूं लोग आज शायद बोले ना, लेकिन मन सबका भर गया है, सब बदलाव चाहते हैं, सब आईना दिखाना चाहते हैं। 19 तारीख को जब वोट पड़ेगा, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ना चाहिए। पिछली बार चुनाव हुआ, अखा तीज हो गई, सब जिम में पहुंच गए, कोई ससुराल, कोई माइके, कोई बारात में, कोई यहां, कोई वहां, वोट पड़ गई कम। इस बार वो गलती नहीं करनी। और देखो, इतिहास बता दो तुम्हारे को, मुरारी जी ने कहा इतिहास के बारे में, और ये बात बड़ी गंभीरता से सुनना हमको, ये जो हमारे साथ में खड़ी है, ये हमारी पहली उम्मीदवार है, सविता मीणा जी, 19 में लड़ी थी,
पार नहीं पड़ी थी। लेकिन आप देखो पिछले 20 सालों में मुरारी जी जहां चलते हैं उससे पहले पहले सविता ही चलती है। सविता जी जाती है, झाड़ फूंक करके रास्ता साफ कर देती है, फिर मुरारी जी ना जीत जाते हैं। तो बानी कोई हो, ढोसा हो, तो नंबर मुरारी जी का आ गया। सविता जी चुनाव लड़ी पिछली बार, मैं तो खूब जोर लगाया, लेकिन किस्मत में लिखा था कि इनको ना तो इनको विधायक बनाना था ना सांसद बनाना था। ये तो इनको भेजते हैं, रास्ता साफ करा देते, फिर खुद जाके चुनाव लड़ देते। तो ये रास्ता साफ हो गया। और ये चुनाव, अभी मैं लक्ष्मण जी से बात कर रहा था, ममता जी से बात कर रहा था, ये चुनाव पूरी पार्टी एकजुटता से लड़ेगी। 36 कौम के साथ ही हम मिलकर लड़ेंगे। तमाम नेता हमारे देश के, प्रदेश के, हम सब एक जैसे एक मत है। और ये बात सच है, मुरारी मीणा जी का नाम कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से चुना था और सबका मन था कि वो होती है जो सब लोगों को साथ लेकर चल सकता है। तो मैं आपसे निवेदन है, 19 तारीख का भी समय है, हम सब लोग मिलकर काम करें। और मेरा आपसे आग्रह है, ये छोटे मोटे टांग खिंचाई टोका ताकि चलती रहती है, लेकिन ये बड़ा चुनाव है, ये देश का चुनाव है, आने वाले भविष्य का चुनाव है। इसमें कांग्रेस पार्टी को राजस्थान से हमें कामयाब बनाना है और दौसा लोकसभा क्षेत्र को नंबर एक पर लेकर आना है। सबसे बड़े बहुमत के साथ दौसा से चुनाव जीतकर जाएंगे, तब मुझे लगेगा कि हम लोगों की हमारी बात को आपने रखा है। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं, जो लोग मंच पर बैठे हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं, अपना चुनाव समझ के लड़ना है एक एक व्यक्ति को। और हर एक वोट की कीमत है, कोई हमसे नाराज अगर होगा किसी कार्यकर्ता से, हाथ जोड़ के माफी मांगनी है। देश के लिए, संगठन के लिए, कांग्रेस के लिए, भविष्य के लिए हम लोगों के हाथ के निशान पर बटन दबाना है। और भारी बहुमत से यहाँ से मुरारी मीणा जी को चुनाकर भेजो। और 5 साल, और आप तो किस्मत वाले हो, मैं भी आपके बीच बना रहता हूँ, आप एक बटन दबाना आपको दो दो सांसद मिल जाएंगे। मैं भी काम करूंगा, मुरारी जी भी काम करेंगे। और पंडित जी बहुत चलाक है, इनको जब से प्रवक्ता बनाया है तो आगे की बात करते हैं। अब कहते हैं जब परिसीमन होगा तब हम आपके चुनाव, अरे भैया एडवांस बुकिंग मत करो, पहले ये चुनाव जिता दो, उसके बाद देखें कौन कहां से लड़ता है। तो मेरे साथ जोरदार नारा देना है और फिर जयकारा लगाकर हाथ खड़े करने कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।